प्यारे बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में सरल रेखीय गति में ही गति के समीकरणों का निगमन बता रहे थे। तो आज गति के समीकरण का निगमन कलन विधि से कैलकुलस के द्वारा बताएंगे। तो इसमें यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है तो उसके गति के समीकरण का निगमन हम इस प्रकार करते हैं। आप जानते हो कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय अति अल्प समय डेल्टा टी में वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो तो त्वरण ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इट इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। According to math, the definition of acceleration is here. तो इसको आप देखें तो आपका होगा यानी dv बराबर a dt, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर v इक्वल टू यानी v इंटीग्रल v इक्वल टू इंटीग्रल a t, इंटीग्रेट करने पर v इक्वल टू a dt, नहीं सर, नहीं a dt, यहाँ देखें dv पर dv बराबर a dt, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रल v इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी और समाकलन करने पर यानी डी वी, जैसे प्यारे बच्चों इंटीग्रल डी एक्स बराबर एक्स होता है उसी प्रकार इंटीग्रल डी वी बराबर वी और इंटीग्रल ए टी, इसका ए डी टी का ही कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है, समांतरण है, तो क्या बदलेगा टाइम, तो टाइम का समाकलन करेंगे तो टी हो जाएगा प्लस कांस्टेंट सी वन, यहाँ सी वन समाकलन कलन नियतांक है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो हम कंडीशन रखेंगे जब t बराबर जीरो, जब t बराबर जीरो तब v बराबर u, यानी प्रारंभ में कण का वेग u है, जब t बराबर जीरो तब v बराबर u रखने पर आपका हो जाएगा u बराबर जीरो प्लस सी वन, इट इम्प्लाइज दैट सी वन बराबर यू। अब इस समीकरण में आप मान रखेंगे इसमें v बराबर ए टी प्लस सी वन में सी वन के जगह पर u रख देंगे तो गत का प्रारंभिक समीकरण v बराबर u प्लस ए टी प्राप्त होगा। यह कलन विधि से, मैंने पहले ग्राफी विधि से बताया था, इसके पहले मैंने गणितीय विधि से
और घात कलन विधि से गत का समीकरण v बराबर u प्लस v। अब प्यारे बच्चों गत का द्वितीय समीकरण का निर्माण कलन विधि से देखिए। द्वितीय समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। माना कि गतिशील वस्तु अत्यंत अल्प समय डेल्टा टी में डेल्टा एस दूरी विस्थापित होती है, तो गति का द्वितीय समीकरण जो मानते हैं कि डेल्टा टी समय में अत्यंत अल्प समय डेल्टा टी में गतिशील वस्तु डेल्टा एस दूरी विस्थापित होती है, तब उसका वेग v इक्वल टू लिमिट उसी जैसा डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा v अपान डेल्टा टी इक्वल टू dv अपान dt। अब यहां से dv इक्वल टू dv इक्वल टू vdt। अब इसका भी हम समाकलन करेंगे। लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी बराबर डी एस अपान डी टी। सारे बच्चों लिमिट वी वेलोसिटी बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी यानी दूरी का समय के साथ परिवर्तन को ही हम वेग कहते हैं और इसे गणित के रूप में बोलेंगे। द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज वेलोसिटी। तो वी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपान डी टी। क्या हो जाएगा? अब आपका हो जाएगा डी एस इक्वल टू वी डी टी। गत के प्रथम समीकरण से गत के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से आपका हो जाएगा ds इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। पुनः आप इसको करें तो ds बराबर ut u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब यहाँ से हम जो है समाकलन करेंगे पूरे का, या छोटा तो पूरे का समाकलन करें। समीकरण का समाकलन करने पर उपरोक्त समीकरण का समाकलन करें तो समाकलन माने इंटीग्रल ds इक्वल टू इंटीग्रल u dt प्लस इंटीग्रल a dt a dt। इसको आप देखें तो u इंटीग्रल dt प्लस a इंटीग्रल t dt। इंटीग्रेशन में सूत्र होता है इंटीग्रल s पावर n dx इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो इंटीग्रल टी का मान हो जाएगा टी स्क्वायर बटा दो। अब पूरा समाकलन इस प्रकार समाकलन करने पर ये प्राप्त होगा कि जो है एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू इंटू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जहां सी टू इंटीग्रल नियतांक है जब जब पी बराबर जीरो का यस बराबर जीरो ऐसी स्थिति में उपरोक्त समीकरण के अनुसार सी टू बराबर जीरो। और अब मान रखेंगे इस समीकरण में तो यस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर या गति का द्वितीय समीकरण होगा। तो प्यारे बच्चों कलन विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निर्माण हम इस प्रकार करते हैं। अब गति के तृतीय समीकरण का निगमन, गति के तृतीय समीकरण का निगमन निगमन गति के तृतीय समीकरण में हम जानते हैं कि वेग वेलोसिटी बराबर डीएस अपॉन डीटी, यानी वेलोसिटी जो है विस्थापन के समय के साथ अवकलन को ही कहते हैं। तो इस तरह से वेलोसिटी v इक्वल टू डीएस अपॉन डीटी, इसको आल्सो डिनोटेड बाय डीएस अपॉन डीवी इनटू डीवी अपॉन डीटी। और यू नो दैट डीवी अपॉन डीटी इक्वल टू ए, इट मींस वी बराबर डीएस अपॉन डीटी इनटू ए या v बराबर a ds अपान dt, a ds अपान dt यहां से v बराबर ds अपॉन dt, देन यू राइट ds अपॉन dv इनटू dv अपॉन dt एंड dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, तो v बराबर ds अपॉन dv होगा इनटू a। और इस प्रकार v बराबर ds a इनटू ds अपॉन dv, और इसको आप लिख सकते हो आप लिख सकते हैं यानी v dv इक्वल टू a ds, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब समाकलन में या इंटीग्रल v dv बराबर a इंटीग्रल a ds, v का dv का इंटीग्रल होगा v स्क्वायर बाय 2 बराबर a s प्लस c 3, जहां c इंटीग्रल कांस्टेंट समाकलन नियतांक है जब t बराबर जीरो तब यस बराबर जीरो होगा। ऐसी स्थिति में मैं जब t बराबर जीरो तब v बराबर u होगा और यस बराबर जीरो होगा।
का सी थ्री बराबर यू स्क्वायर बाई टू होगा। इसको हम आठ रखने पर वी स्क्वायर बटा दो इक्वल टू ए आर प्लस यू स्क्वायर बटा दो। इसको ट्रांसफर करेंगे तो आप पाएंगे वी स्क्वायर बटा दो माइनस यू स्क्वायर बटा दो, वी स्क्वायर बटा दो माइनस यू स्क्वायर बटा दो इक्वल टू ए आर। देन यू राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए आर। आल्सो राइट वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए आर। इस प्रकार से आपके गत के तृतीय समीकरण प्राप्त हुए। तो कलन विधि से गति के तीनों समीकरणों का निर्माण हुआ। समाकलन और कलन दो चीज़ें होती हैं। अब आप एक विमीय गति से संबंधित विभिन्न राशियों का तुलनात्मक विवरण देखें। एक विमीय गति से संबंधित विभिन्न राशियों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार करते हैं। इसे आप ध्यान से देखें। कैसे यहाँ क्रमांक भौतिक राश संक्षिप्त विवरण संक्षिप्त परिभाषा और आता है परिभाषा और गणितीय रूप गणितीय रूप। प्यारे बच्चों जैसे पहला है दूरी डिस्टेंस। दूरी क्या होती है? कण के पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान कण के याद रखेंगे कण के पथ की वास्तविक लंबाई ही दूरी होती है। किस कण के? जो गतिमान होते हैं। और इसे आप गणित के रूप में अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। कण के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई। कण के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति की लंबाई ही क्या होती है? विस्थापन होता है। इसे आप रस से प्रदर्शित करते हो। अब आता है थर्ड राशि आती है चाल स्पीड। गतिमान कण के दूरी का समय के साथ गतिमान कण के दूरी के का समय परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। इसको कहते हैं गतिमान कण के दूरी का समय के साथ परिवर्तन दर को चाल कहते हैं। इसे आप कहते हैं डीएक्स अपॉन डीटी। रिगार्डिंग टू मैथ के अनुसार चाल क्या है? एक दूरी का समय के साथ अवकलन चाल कहलाता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज स्पीड।
एंड इसके बाद आती है वेग वेलोसिटी, गतिमान करके, गतिमान कण के विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन दर वेग है, इसे आप प्रदर्शित करते हैं डीएस अपॉन डीटी अकॉर्डिंग टू मैन द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज वेलोसिटी। अब आता है पांचवा पॉइंट त्वरण, त्वरण पांचवा पॉइंट है त्वरण यानी कण के वेग में वृद्धि दर, वृद्धि की समय दर, कण के वेग में वृद्धि की समय दर कण कहलाता है। और इसे आप प्रदर्शन कहते हैं ए बराबर डीवी अपान डीटी बराबर डी टू एस अपान डीटी स्क्वायर। छठा आता है अवमंदन, कण के वेग में ह्रास, कण के वेग में ह्रास की समय दर, इसे आप मंदन चाहते हो, यह होगा ए बराबर माइनस डीवी अपान डीटी इक्वल टू माइनस डीटी एस अपान डीटी। इस प्रकार से भौतिक राशियों के जो एक डायमेंशन में गति से संबंधित हैं उनका हमने तुलनात्मक अध्ययन बता दिया साठ में परिभाषा सहित। नेक्स्ट टर्म पर आपको इससे संबंधित सवाल के बारे में बताएंगे। टर्मिनेट लगा हुआ।